अरमान के इतने घर है भाई, मजाक से हटके बहुत ज्यादा घर है। बात रिवील करता हूँ, डार्क सीक्रेट है भाई थोड़ा। बिल्कुल बढ़िया है, देवरत होता तो। अरे भाई वो आगरा नहीं भाई, वो देवरत इंदौर, उसका रेडियस इंदौर से चालू होता है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे पास है मेरा दोस्त अरमान सिंह सिद्धू। और आज है 26th of January जो कि गणतंत्र दिवस है, तो हमारी तरफ से आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई और हैप्पी रिपब्लिक डे एंड मेनी मोर टू कम। ठीक है वो तो। तो अभी डे कितने बज रहे हैं भाई? साढ़े दस बज रहे हैं। अभी झंडा बंधन हो चुका है और हमने मैंने कहा था इसे सुबह उठने, नहीं झंडा बंधन इसने देख लिया, मैंने नहीं देखा, पर मैंने इसको बोल दिया था कि वीडियो बना ले, तो इसने वीडियो बना ली, तो आप एंजॉय करना उस सिनेमैटिक शॉट। इसके बाद लगा देंगे, तुरंत लगा देंगे। और उसके बाद अपन को जाना है जिम, जिम से आएंगे और उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें करनी है, तो स्टे ट्यून्ड। और तब तक आप सिनेमैटिक शॉट करें। तो भाई यार 26th January है और आज भी नॉर्मल डे की तरह ही डे गुजर रहा है। छुट्टी आई तो भाई काफी टाइम बाद है, एक बढ़िया सुकून वाली छुट्टी। ओए कहीं घूमने चले गए? ओए ये क्या हुआ? ओए कहीं घूमने चले गए? ओए ये क्या हुआ भाई? ये होता है डिसमेंटल, फ्लैट में डिसमेंटल कर दो मस्त तरीके से भाई। योगी जी का बुलडोजर तो नहीं आ गया? अरे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करते अपन। नहीं सुन भाई, तो अरमान है ओए कहीं घूमने का प्लान करे क्या? नहीं अभी दिक्कत ही है भाई, ये भी देख जरा। ओए पागल हमें सही है, दिखा तो यार, ऐसे व्यूअर्स को धोखा दे रहे हो तुम। ये वाली में नहीं दिखा रहा भाई, ये वाली। अरे अरमान सुन, छुट्टी बहुत टाइम बाद आई है, वैसे पीछे दिख रही है। छुट्टी बहुत टाइम बाद आई है, कहीं घूमने चल रहा है क्या भाई? सुकून वाली छुट्टी तो अभी आई है और वो भी हफ्ते के बीच में। बीच में चलने का तो प्लान है यार, तू सजेस्ट कर, बढ़िया व्लॉग भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। व्लॉग कंप्लीट कर रहे हैं तो अबेंडन बिल्डिंग चले क्या? अबे ये कहाँ है भाई? अबे कलेक्ट्रेट के बगल वाली, देखो पता है ना कलेक्ट्रेट के बगल वाली। तो भाई बिल्डिंग बन गई? नहीं अभी अभी नहीं, अभी बनी नहीं है वो, अबैंडनड ही नहीं हुई। चल भाई, पर भीड़ बहुत होगी यार, जनसंख्या काफी है, छुट्टी है। जनसंख्या तो बढ़ती रहेगी। लेकिन अबे चलते हैं, मारो ऐसे भाई, क्या बोल रहा है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, इस पे केस कर। अबैंडनड बिल्डिंग चलते हैं ना भाई। हाँ भाई अच्छा, चल कंटेंट भी सही मिलेगा। चलो भाई ओके, तो भैया डायरेक्ट एक्टिव आप। तो अरमान अभी चाबी लेने गया है गाड़ी की और आ रहा होगा वो, अभी समय बहुत लग गया उसको, लेकिन अभी आ रहा है। तो तो भाई सब रखते हैं यार, ऐसा नहीं। लाइट आ रही है इधर से, तो ये है भाई की गाड़ी मास्टर एज। और भाई की ये कार भी है। अरे भाई प्लीज यार, भाई दूसरी कार मत दिखाई। नहीं कौन सी वाली थी वो? अबे तू रहने दे भाई, हम तो देखो लिटरली ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, लेकिन सही है पैसे वाला वो है भाई। टाइम लैप्स, चल तू गाड़ी निकाल, मैं टाइम लैप्स। अब तू कैमरा ढक पहले, मैं तभी निकालूंगा। अंदर डाल देता हूं। चलो अभी अबेंडेंट बिल्डिंग पे जाना है
और ये बिल्डिंग कलेक्ट्रेट के बगल में है। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नो कि मैंने उधर साइकिलिंग करने जाता था, तो उधर ही एक है, मैं एक वीडियो में मैंने दिखाया था। तो आज हम वो पहली बार उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, ये बिल्कुल लीगल नहीं है, पर क्या है कि इतना कोई ध्यान नहीं देता, कोई ऐसी सिक्योरिटी भी नहीं है वहाँ पे, तो हम जा सकते हैं। और बात ये, इस बंदे में केवल एक ही जगह है जाने को, वो है कलेक्टर, हमेशा मुंह उठा के वहीं पहुँचता है। ठीक है, ये तो लाइव रोस्टिंग है। म्यूजिक भाई, स्क्रिप्टेड स्टार्ट करते हो आप? यार चलो भाई, चालू है, पूरा ओरिजिनल है। अरे तो हम यहाँ पे आ गए हैं गाइस, और सबसे बड़ी बात है ये रही अबैंडन बिल्डिंग, इतने साल से ये बनी नहीं है इसकी। हाँ भाई, मॉल है भाई, मॉल नहीं था ये, न्यू हाई कोर्ट बनाने के उसमें क्या है कि फिर तो भाई रीजन है अभी तक बन नहीं रहा, और लोगों ने लिटरली यहाँ पे नाइट में कुछ हॉरर एक्टिविटीज भी एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि यार ऐसी अबैंडन बिल्डिंग और कलेक्ट्रेट पूरा यहाँ से वो पूरी हिल है। अब क्या है, ये हमें तो रोक नहीं सकते अंदर जाने से, तो हम अंदर जाएंगे और पूरा डिस्कवर करेंगे क्या सच है क्या नहीं है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं। चलो भाई, चलो गाड़ी लगाओ पहले। तो आज जिम के लिए भी मैं काफ़ी लेट हो गया, लेकिन ठीक है, जिम तो चला ही जाऊँगा। मैं बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, और मेरे को लोग बोल भी रहे थे यार कि क्या कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, पर अब मैं डेली व्लॉग्स करूँगा, डेली व्लॉग्स तो नहीं लेकिन ओकेजनली व्लॉग करूँगा, हर दो या तीन दिन में एक व्लॉग आ ही जाएगा। मैं सोच भी रहा हूँ कि ना यू नो व्लॉग बनाऊँ थोड़ा सा, अभी तक जैसे व्लॉग बनाए उससे थोड़ा सा हाई इन्वेस्टेड तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अरे कहाँ चला, अरे भाई साहब इसको मैं इसलिए अकेले नहीं बेचता, कहाँ चला गया भाई ये, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। आ गया, कहाँ है गाड़ी? पेट्रोल पंप पे ही रखी, बंदे से बात हो गई, वो बोल रहा आप 6 घंटे भी मत आओ, हम अच्छे से हिफाजत करेंगे। हिफाजत ही करेगा ना भाई, भाई अच्छी हिफाजत ही बोल रहा होगा भाई, भाई भरोसा नहीं है लोगों का। अपन आए तब तक वो पेट्रोल वेट्रोल निकाल के पूरे पार्ट्स वार्ट्स अंदर के निकाल के रख दे। चलो ठीक है, इस जगह से जिंदा तो आएंगे ना, तू पहले बता दे भाई। देख जिंदा के लिए तो खैर क्या ही है, क्या हो सकता है लिटरली इस जगह पे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा मैं आ नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, चलो कोई नहीं। भाई ये रहा पूरा, ये इतने समय से अबैंडेंड है, इतने समय से अबैंडेंड है, मेरे को पता भी नहीं है भाई अलाउड है जाना कि नहीं है। इन लोगों ने देखिए कितना मस्त है एंट्री है, भाई इतने समय से अबैंडेंड, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैं पहले ही जानता था सरकारी प्रोजेक्ट होगा। इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला, रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाड, इंसाफ नहीं मिला। एंट्री कहाँ से है? एंट्री भाई ऐसी जगह में जहाँ से घुस सकते हो वहाँ से एंट्री है। हाँ वैसे देखते हर जगह से एंट्री रही है। कुछ जगह भाई गेट छोड़ के हर जगह से एंट्री है यहाँ। गेट लगा है क्या? खुला होना चाहिए मेरे यार, लिटरली इलीगल है, खोल। अरे
भाई गेट ही नहीं मिल रहा एंट्री का। खैर वो इतने भी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही कोई भी एंट्री। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। इधर तो खैर कुछ नहीं है, उधर चलते हैं। ये है मेन गेट, वैसे लॉक लगा हुआ है, जंग भी खा गया है। गैस कटर हो गया, लाओ बहुत बढ़िया भाई। मेरे को लग नहीं रहा था कि अपन देख नहीं पाएंगे। कितना अच्छी है, जरूर बढ़िया आर्किटेक्चर बनाऊंगा। पर ये बिल्डिंग इतने समय से अबेंडेंट है कि भाई इसका आर्किटेक्ट पक्का। भाई ये सही था। यहाँ देखो, यहाँ अच्छा व्यू आया। हाँ पे यहाँ पे सही व्यू तो है। फोन और गिर जाए, अच्छा व्यू आ जाएगा। गिर जाए भाई तभी तो मजा आएगा यार। भाई ये चैनल अनसब्सक्राइब करो। इस बंदे ने मास्क नहीं पहना है, इसको भाई पनिशमेंट दो। हाँ तूने एक रेड लाइट तोड़ी है ना, एक नहीं दो तोड़ी हो, इतनी स्पीड पे चलाई। भैया हमारी कार है और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है। ऐसे तो इसका भी एक चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी नहीं दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ये क्या कर रहा है तू? धूल उड़ रही है। चलो फिर ओए, तो अभी अपन ने काफी कुछ देख लिया है तो अब चलते हैं। मतलब मेरे को लगता है एक बार भाई कलेक्ट्रेट पे व्यू देखते हैं। हाँ एक बार कलेक्ट्रेट पे व्यू देखते हैं। व्यू नहीं देखा तो मतलब भाई आप जो हो ना वो मैं मतलब आप गए हो वैष्णो देवी, गए हो तो कहाँ कहा जाता है कि माता की पूजा के बाद भैरव बाबा की पूजा करनी जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इस एरिया में और आप कलेक्ट्रेट ना जाओ और वहाँ पर व्यू नहीं देखो तो मतलब ही नहीं है पूरा मतलब घूमने का। तो अब यहाँ से हम कैसे आए थे, यहाँ से और डायरेक्ट चलते हैं और आपको सीधा मिलते हैं उधर ही चामारी एक्ट वाली। नहीं 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 भाई रिमाइंड करो, हम मिलते हैं कलेक्ट्रेट पे। कलेक्ट्रेट पे डायरेक्ट चल, ठीक है। अभी अरमान बोल रहा है कि अगर कोई पकड़ भी ले कोई दिक्कत नहीं, हमने तो बिल्डिंग में घर गया है। भाई अरमान ले भी सकता है, अरमान के इतने घर है भाई, मजाक से हट के बहुत ज्यादा घर है, पैसे वाला लड़का है। लेकिन ठीक है, इसको इस बात पर कभी घमंड नहीं है। चलो भाई चलते हैं। मित्रों मास्क पहन ले। ये कौन कह रहा है? मैंने नहीं पहना, कोई बात नहीं। मामा जी से पूछते हैं, मामा जी मास्क पहनना चाहिए? हमें बिल्कुल पहनना चाहिए, संविदा वालों को हम परमानेंट करेंगे। ठीक है मामा जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो भाई अबेंडेंट बिल्डिंग दिखाई पूरी सी, और ये थी, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं भी पहली बार अंदर गया था और काफ़ी अच्छा लगा। भाई तू बता कैसा लगा तेरे को? एकदम चंगा भाई, भाई बहुत अच्छा था। मतलब मेरे को लिटरली लगा नहीं था कि बाहर से ठीक है बिल्डिंग बड़ी दिख रही है, लेकिन अंदर से भी भाई बहुत बढ़िया। हम पूरा घूमे भी नहीं, क्योंकि हम तो एक क्योंकि अभी अभी हम लोगों का आगे भी है थोड़ा सा शेड्यूल के, है ना, यहाँ जाना है, मेरे को जिम जाना है, उसके बाद फिर हमारी क्लासेस भी हैं, तो नहीं घूम पाए इतना। लेकिन जैसे कुछ भी भाई भाई ने अपनी गाड़ी लगाई थी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, देखते हैं भाई। चलो सही सलामत है, पेट्रोल ही निकाली। चलो वे कलेक्ट्रेट में चलते हैं डायरेक्ट और फिर बस उसके बाद जाते हैं। ये यार कलेक्ट्रेट मज़ा तो अभी भी इतना ही आता है, इतना रिलैक्स फील होता है, इतना पीस मिलता है भाई। यहाँ टंकी पे बैठ जाते हैं लोग, हम भी कई बार बैठे हुए हैं। अरे तो उस दिन था ना यार फोटोशूट वाले दिन, वो 3-4 साल पहले यहीं पे। हाँ बिल्कुल, यही जगह था मैं, ये हाँ यहाँ ये पोल था ना, इसी पे फोटो ली थी मैंने खान भाई के साथ खिंचवाई थी। मैं थोड़ा जल्दी चला गया था उस टाइम पे, पर लास्ट में तब भी हम मैंने खिंचवाई, लास्ट में हम फिर मिल रहे थे। हाँ फिर खिंचवाई थी भाई उस दिन तो यार, मतलब अच्छा था। तुमने यार बहुत अच्छे फोटो शूट में सही में बहुत जेलस था। 3-4 जैकेटें बदली थी भाई, भाई वो प्रॉपर शूट था भाई, मेरी जिंदगी का अभी तक का पहला और अभी तक का आखिरी। वैसे बढ़िया है यार, हाँ अच्छी जगह है, लोग यहाँ पे सुबह अनुलोम विलोम करते हैं।
ये देखो आराम कर रहे हैं भाई, ट्रायो में आराम कर रहे हैं भाई। फोर्ट नहीं लिया तूने? फोर्ट रह गया भाई। अरे भाई फोर्ट अभी बचा हुआ है, बात के लिए बचाया था। अरे वो क्या कहते हैं यार हिंदी में, एक क्षण मुझे याद करने दे। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ओ सर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। गॉड सर, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल व्लॉगिंग कंटेंट। ओहो क्या बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है हमारे पास फोर्ट बचा है। अभी फोर्ट के बाद भी मेरे दो चार अच्छे आइडियाज हैं कि अब क्या करना है। बात रिवील करता हूँ भाई, डार्क सीक्रेट है भाई थोड़ा। बिल्कुल बढ़िया है। जब मैंने जेई दिया था, दे रहा था 2020 जैन में, तो उसके पहले भाई मेरी एक दोस्त से बात हुई थी नीलराज से, वो शायद से देख भी रहा होगा आपको। नीलराज भाई कैसे हो? हाँ भाई, तो वो एक दिन मेरे से बोलता कि यार ये हो जाए ना फिर अपन जेई वगैरह के बाद बाहर चलते हैं। मैं भाई डायरेक्ट पॉइंट पे आया, मैं भी तेरे साथ भी पॉइंट पे आना चाहता हूँ। समझ रहे हो आप भाई। मैंने कहा देख भाई, अगर तू बाहर चलता है, मैं कहेगा फोर्ट चलता है, यहाँ चलता है। मैंने कहा भाई तो तू ही जा भाई बाहर से, मेरा भाई रेडियस चालू होता है मिनिमम आगरा से। पबजी वाला है क्या? उससे पहले तूने बोला ना भाई, तो तू फोन काट और किसी और से बात कर। आगरा भाई बाहर चलना है भाई, बाहर कहाँ चलना है भाई, कलेक्टर की पहाड़ी पे चलते हैं भाई। मैंने कहा भाई बाहर चलना है तो मिनिमम आगरा बता भाई। मैं तुझे भाई उसकी हालत खराब हो गई। हाँ यही कह लो भाई। उसने कहा पागल है क्या तू? हाँ आगरा जाएंगे। उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो दिमाग खराब है, मजाक कर रहा है ना तू? बोल भाई। मेरे सामने गाड़ी रखी भाई और मेरे को बात याद आई एकदम, गाड़ी उठाई और तू आगरा चला गया। वो अकेला आगरा चला गया? बिल्कुल, डेढ़ घंटे की रास्ता है ग्वालियर से, चार घंटे की रास्ता है ग्वालियर से। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सामने गेटवे आ रहे हैं, ताज ईस्ट गेट 16 किलोमीटर, ताज वेस्ट गेट 20 किलोमीटर। मैंने कहा एक वहाँ पे पंचर वाला नहीं, एक मैकेनिक का। मैंने कहा अरे भाई अपना फोन देना। मैंने लगाया नीलराज को कॉल, उस साले ने उठाया ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो, मैं वापस आ गया भाई। पर बंदा समझदार था, उसने फिर कॉल बैक किया। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। फिर उसे बता रहे तुम्हें, एक बंदा आया था ग्वालियर से, वो बोल रहा था किसी से बात करनी है, फोन देना। बोलता अरमान तू था नहीं था? ओ भाई अरमान भाई, भाई मेरे साथ आगरा मत जाइयो, ये तो सही में निकल जाएगा अकेले ही आगरा। देवव्रत होता तो अरे भाई वो आगरा नहीं भाई, वो देवव्रत इंदौर, उसका रेडियस इंदौर से चालू होता है भाई। चलो सर, चलो भाई अब चलते हैं घर। और मेरे को लगता है कि अब रिवील कर ही दिया है भाई, डार्क सीक्रेट भी रिवील है भाई। सोचना चाहिए अभी, ये डालना चाहिए कि नहीं? नहीं मैं ये पूरा डालूंगा भाई, मेरे हाथ में वीडियो। एक बार तो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। अब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें करी, इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल को भी एक बार विजिट करना। और एट लास्ट हैप्पी रिपब्लिक डे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय।